खबर रीवा जिले से है, जहां मनगवा से चाक घाट राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 30 में निरंतर सुहागी पहाड़ और अन्य स्थानों पर हो रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर एमपीआरडीसी रीवा संभाग के द्वारा बंसल पाथवेज कंपनी को बार बार कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बाद भी सड़क गुणवत्ता में सुधार न किए जाने पर दिनांक 9/11/2022 को कई नोटिसों के बाद 2,55,56,363 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। गौरतलब है, इस मामले को सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी के द्वारा वर्ष 2020-21 से निरंतर उच्च स्तर पर उठाया जाता रहा है, जिसको अब लेकर बड़ी कार्यवाही सामने आई है। इसके पहले संभागायुक्त रीवा, कलेक्टर रीवा, एडीजी रीवा और एसपी रीवा के द्वारा मौके पर पहुंचकर मजिस्ट्रियल जांच और 5 सदस्यीय समिति के द्वारा जांच रिपोर्ट 7 दिन के भीतर दिए जाने का उल्लेख किया गया था। प्राप्त 5 सदस्यीय जांच समिति के द्वारा जांच रिपोर्ट में भी सुहागी सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर कई गड़बड़ियां बताई गई हैं, जिसमें सड़क की डिजाइन, जियोमेट्री, अन्य सुरक्षा मापदंडों सहित सड़क की घटिया गुणवत्ता को दुर्घटनाओं के लिए दोषी ठहराया गया है। यह सब प्रशासनिक कार्यवाही तब हुई जब 21 अक्टूबर 2022 को दिवाली के एक दिन पूर्व सुहागी पहाड़ पर बड़ी सड़क दुर्घटना में 15 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और दर्जनों घायल हो गए थे। हैदराबाद से गोरखपुर की तरफ जाने वाली दोनों से खचाखच भरी हुई बस ट्रेलर से टकरा जाने के कारण दुर्घटना हुई थी। इसके बाद निरंतर मामला मीडिया में छाया रहा, जिसका नतीजा यह हुआ प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की है। मध्य प्रदेश में मनगवां से चाक घाट राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में सुहागी पहाड़ में हो रही निरंतर सड़क दुर्घटनाओं को लेकर हमारे द्वारा समय समय पर आवाज़ें उठाई गईं। वास्तव में सिर्फ सड़क दुर्घटनाएं ही नहीं, बल्कि इस पूरी सड़क की गुणवत्ता को लेकर, सुहागी पहाड़ में जो ज्योमेट्री और डिजाइन है सड़क की, उसको लेकर ये बातें समय समय पर हमने इसको रखा है, उच्च स्तर तक रखा है, मुख्यमंत्री को लिखा है, साथ में जो भूतल परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी हैं उनको लिखा है, पीएमओ को, और हर जगह ये बात भेजी गई। मीडिया में भी ज़बरदस्त तरीके से यह रही, क्योंकि निरंतर घटनाएं होती रही हैं। और अभी हाल ही में 21 अक्टूबर 2022 को दिवाली के एक दिन पूर्व जब ये सड़क दुर्घटना हुई सुहागी पहाड़ में, जिसमें एक बस एक ट्रेलर से टकरा गई, 15 लोग मारे गए और लगभग 50 से अधिक घायल हो गए थे। इसके बाद मामला एक बार पुनः तूल पकड़ा और हमने इसकी एक बार पुनः जाँच की मांग की, शिकायतें की, तो अभी हाल ही में ये पता चला है कि कई नोटिस के बाद में एमपीआरडीसी के अधिकारियों के द्वारा कई नोटिस जारी की गई थी बंसल पाथवेज कंपनी को, और उनमें कई नोटिसों के बाद में अभी 9 नवंबर 2022 को पत्र क्रमांक 1798 के माध्यम से आरटीआई में निरीक्षण के दौरान यह बात का खुलासा हुआ है और जानकारी वो प्राप्त की जा रही है। तो उसमें लगभग 9.9 करोड़ और 14 लाख रुपए का इसमें इनको कॉस्ट मतलब बताया गया था कि इतना मेंटेनेंस का काम किया जाना है, जो सारा ख़राब गुणवत्ता है और इसको लेकर के, पर वो इनके द्वारा समय समय पर नहीं किया गया। लगभग 5 से 6 तक नोटिस जारी की गई एमपीआरडीसी के द्वारा, लेकिन बंसल कंपनी ने बिल्कुल उसको देखा ही नहीं नोटिस को। तो इसके बाद एमपीआरडीसी ने 2,55,56,363 रुपए का कुल इनके ऊपर कास्ट इम्पोज किया हुआ है, फाइन लगाया हुआ है, और इनको 15 दिवस के अंदर भरना था। अब ये 9 नवंबर की बात है, हालांकि अब दिसंबर आ गया है, 1 माह व्यतीत हो गया है, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई अभी तक यह पता नहीं चला है। लेकिन इस दिशा में देखा जाए तो जिस प्रकार से बंसल कंपनी ने निरंतर मतलब अवहेलना की है, नियम कायदों की घटिया सड़क बनाई है, बिना डिजाइन और गुणवत्ता की सड़क बनाई है, उसको लेकर के बड़ी कार्यवाही है। और हम इसमें मांग करते हैं कि जो मध्य शासन है, इनको ब्लैक लिस्ट करें और इनके ऊपर एफआईआर।